लालची दही वाली। सपना नाम की एक गरीब महिला अकेले ही एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। सपना का अपना इस संसार में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले ही सपना के पति का निधन हो चुका था। तब से सपना अपने पति की दो भैंसों की देखरेख करने लगी। अब गांव में कई लोग दूध बेचने का काम करते थे, इसीलिए सपना जो भैंसों का दूध निकालती थी वो दूध सपना से कोई नहीं खरीदता था। अब एक दिन सपना उदास बैठी थी। गांव में तो कोई भी मुझसे दूध नहीं खरीद रहा, अब मैं भैंसों के लिए चारा कैसे लाऊं? दूध बिकेगा तो पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो चारा आएगा। पता नहीं अब क्या होगा। दूध के ना बिकने से सपना बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास यही एक कमाई का जरिया था। अब सपना गांव में घूमने लगती है। तभी उसे पायल नाम की एक महिला मिलती है। अरे सपना, इस तरह मुंह लटकाए किधर जा रही है? क्या बताऊं पायल, इस गांव में कोई भी मुझसे दूध नहीं खरीदता। प्रतिदिन मेरा दूध बिगड़कर खराब होने लगा है। पहले तो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी, पर अब तो एक पैसे का दूध नहीं बिक रहा। हाँ, गांव में दूध बेचने वाले बहुत से लोग हो गए ना, पर तू इतना उदास क्यों हो रही है? अगर गांव में कुछ लोग दूध बेच रहे हैं तो तू अपने दूध का दही बनाकर गांव में बेचना। अपने गांव में कहीं पर भी दही नहीं मिलता, न कोई दही बेचता है, सब शहर से दही लेकर आते हैं। क्या, दही? हाँ सपना, अभी कल की ही बात ले लो। कल मैं पूरा गांव घूम गई, पर मुझे कहीं पर भी दही नहीं मिला। आखिरकार मुझे शहर जाकर ही दही लाना पड़ा। मैं तो कहती हूँ तू यही कर, अब दही में तुझे मुनाफा भी बहुत होगा और तेरी सारी समस्या भी दूर हो जाएगी। वाह पायल, बहुत ही बढ़िया उपाय बताया तूने। अब तो मैं गाँव में दही ही बेचूंगी। सपना घर आ जाती है और अपने बिगड़े खराब दूध में थोड़ा जामुन डालकर उस दूध को दही बना देती है। अगले दिन सपना वो सारा दही एक बाल्टी में लेकर गांव में बेचने निकल पड़ती है। दही ले लो, ताजा ताजा अच्छा वाला दही ले लो, मीठा खट्टा दोनों दही ले लो, ले लो ले लो दही ले लो। अरे सपना जरा इधर आना, जी काकी अभी आई। सपना दही से भरी बाल्टी लेकर कोमल के पास आती है। ये क्या सपना, तूने दूध के साथ साथ अब दही बेचना भी शुरू कर दिया? क्या करें काकी, कोई मुझसे दूध खरीदता ही नहीं, इसीलिए मैंने दही बेचना शुरू कर दिया। अच्छा चल ठीक है, मुझे जल्दी से 2 किलो दही दे दे। आज इनके लिए कड़ी चावल ही बना लेती हूँ, बड़े दिन होए खाए। और तू दाम सही से लगाइयो। अरे काकी, आपसे कहाँ ज्यादा दाम लूंगी, बस 70 रुपए किलो ही तो है दही। क्या, बस 70 रुपए? अरे वाह, बड़े सस्ते दाम में बेच रही है तू दही। शहर में तो 100 रुपए किलो में मिलता है दही। काकी धीरे धीरे बढ़ाऊंगी मैं भी दाम, ये लीजिए 2 किलो दही। सपना कोमल से 140 रुपए लेकर उसे 2 किलो का दही दे देती है और आगे गांव में दही बेचने निकल पड़ती है। अब सस्ते दाम का सुनकर शाम तक सपना के पास का सारा दही बिक जाता है, क्योंकि उस गांव में कोई भी दही नहीं बेचता था, सब दूध ही बेचते थे। इसीलिए सपना का दही लोग हाथों हाथ खरीदने लगे। अब बड़े दिनों के बाद सपना के पास इतना पैसा आया था। रात का समय। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हो गई मेरी। पायल के उपाय ने तो मुझे जीने की नई राह दिखा दी। अब से मैं रोज गांव में दही बेचूंगी। एक मिनट, कोमल काकी ने क्या कहा था, शहर में 100 रुपए किलो में दही मिलता है और मैं अपने इस गांव में 70 रुपए किलो में बेच रही हूँ। क्यों ना मैं भी अपने दाम बढ़ा दूं? इस गांव में तो कोई भी दही नहीं बेचता और अब तो सब मुझसे ही दही ले रहे हैं। अगर मैंने दही के दाम बढ़ा दिए तो लोग मजबूरन मुझसे ही दही खरीदेंगे। हाँ ये सही रहेगा, अब से मैं 100 रुपए किलो दही बेचूंगी। पहले दिन की कमाई देखकर ही सपना के मन में लालच जाग चुका था।
अब सपना 100 रुपए किलो के दाम से दही बेचने को तैयार हो चुकी थी। चलो मैं शामू भाई के पास जाती हूँ और थोड़े पैसों से उनसे भैंसों के लिए चारा और थोड़ा दूध ले आती हूँ, ताकि कल सवेरे मेरे पास ज्यादा दही रह सके। सपना वो पैसे लेकर उसी गांव के शामू नाम के व्यक्ति के पास आती है। शामू के पास 5 से 6 भैंसे थी। क्या हुआ सपना, इतनी रात को चारा और ढेप लेने आई हो? घर में भैंसों के लिए चारा खत्म हो गया क्या? हाँ शामू भाई, और मुझे 10 लीटर दूध भी चाहिए। क्यों, तुम्हारी भैंसे दूध नहीं दे रही क्या? और इतने सारे दूध का क्या करोगी तुम? अगर मैंने शामू को दही की बात बता दी तो अगले दिन से ये भी गांव में दही बेचना शुरू कर देगा। वो क्या है ना शामू भाई, कल सवेरे मेरे घर मेरे मुंह बोले कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए दूध ले जा रही हूँ। अच्छा ये लीजिए चारे के ढेर और दूध के पैसे, अब मैं चलती हूँ। सपना तीनों सामान लेकर वहां से चली जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, आखिर बात क्या है ये तो पता लगाना ही होगा। अब सपना रात भर उस दूध में जामन डालकर उसे दही बना लेती है और सवेरे जल्दी उठकर अपनी भैंसों का दूध धोकर वो दूध को घर में दही जमाने रख देती है और गांव में दही बेचने निकल पड़ती है। तभी एक सरिता नाम की महिला कहती है, अरे सपना, कल तो तूने 70 रुपए किलो दही दिया था और आज 100 रुपए किलो कर दिया। सरिता बहन, दूध के दाम कितने बढ़ गए हैं, शहर में दही के दाम 120 रुपए किलो हो चुके हैं और मैं तो केवल 100 रुपए किलो ही बेच रही हूँ। अच्छा चल ला 5 किलो दे दे दही, पता नहीं कब महंगाई कम होगी। सपना 500 रुपए लेकर सरिता को 5 किलो दही दे देती है। आज भी ऐसे ही सपना का सारा दही बिक जाता है। अब कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। सपना अपने दूध के साथ साथ दूसरों से भी दूध खरीद कर लाने लगी और उसका दही बनाकर गांव में महंगे दाम में बेचने लगी। अब सपना का लालच इतना बढ़ गया कि उसने दही के दाम 150 रुपए किलो कर दिए। अब एक दिन शामू सपना को गांव में दही बेचते हुए देख लेता है। अब सपना का दही लोगों को इतना पसंद आने लगा कि इतने महंगे दाम में भी लोग उससे दही खरीदने लगे। रात का समय, तभी कालू नाम का व्यक्ति सपना के घर आता है। सपना बहन, कल मेरी बहन की शादी है, इसीलिए कल मुझे 100 किलो दही लगेगा। क्या कल 100 किलो दही मिल पाएगा? 100 किलो? अरे बाप रे! हाँ हाँ मिल जाएगा ना, पर 150 रुपए किलो दही के दाम है। सपना बहन कुछ तो दाम कम करिए, मैं 100 किलो ले रहा हूँ। कालू भाई, 100 किलो दही बनाने में कितनी मेहनत लगेगी, और आप तो मेरे दही के बारे में जानते हो, पूरे शहर में भी घूम आएंगे ना, तब भी आपको मेरे जैसा लाजवाब दही कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहो, आप बस कल तक 100 किलो दही बनाकर रखिए, कल मैं आकर दही ले जाऊंगा। अभी सारी बात शामू सुन लेता है। अच्छा 100 किलो दही का ऑर्डर, ये ऑर्डर तो मैं ही लेकर रहूंगा। वहां से चला जाता है और शामू भी चला जाता है। अब सपना परेशान हो जाती है, इतना बड़ा ऑर्डर तो ले लिया मैंने, पर अब इसे पूरा कैसे करूंगी। एक काम करती हूँ, अब भी जाकर फटाफट गांव में दूध जमा करने लगती हूँ। सपना गांव में जाती है और कई दूध वालों के पास से थोड़ा थोड़ा दूध लेकर जैसे तैसे 100 किलो दूध जमा कर लेती है और उस पूरे दूध में जामुन डालकर उसे दही बनाने के लिए रख देती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। अब सपना का पूरा दही बनकर तैयार हो चुका था। वाह दही तो बन गया, बस अब जल्दी से कालू भाई आ जाए ताकि मैं उन्हें ये दही देकर लोगों के दूध के पैसे चुका सकूं। सपना कालू के आने की राह देख रही थी। देखते ही देखते 1 घंटा हो जाता है, पर कालू अब तक नहीं आया था। कालू भाई अब तक नहीं आए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। चलो मैं ही उन्हें देखाती हूँ। सपना अपने घर से निकलकर कालू के घर आती है। वो जब देखती है तो कालू शामू को पैसे दे रहा था। कालू भाई मैंने दही तैयार कर लिया है, चलिए घर में रखा है दही। माफ करना सपना बहन, पर अब मैं आपसे दही नहीं ले सकता क्योंकि दही मुझे शामू भाई ने दे दिया है,
वो भी 50 रुपए किलो के दाम से। ये सुनकर सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या बोल रहे हो आप कालू भाई? मैंने आपके कहने पर 100 किलो दही बनाकर अपने घर में रखा है और अब आप उसे लेने से मना कर रहे हो? अरे नहीं नहीं कालू भाई, आपको वो दही खरीदना ही होगा, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सपना बहन, मैंने 100 किलो दही ले लिया शामू भाई से, अब इतने दही को लेकर मैं क्या करूँगा? और वैसे भी आपकी दही के दाम बहुत ज्यादा है, और अब मुझे इतने सस्ते दाम में दही मिल गया तो मैं आपका महंगा दही लेकर क्या करूँगा? इसीलिए आप जाइए और वही दही किसी और को बेच दीजिए। ये क्या बोल रहे हो आप कालू भाई? इतना सारा दही मुझसे कौन खरीदेगा? देखिए मुझे माफ कीजिए, मेरे घर में शादी है तो मुझे बहुत से काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। अब सपना रोते रोते अपने घर आती है। तभी दूध वाले सब अपना पैसा मांगने सपना के पास आते हैं। अब पैसों के ना होने से सपना की तीनों भैंसे लेकर चले जाते हैं। क्यों क्यों मैंने इतना लालच किया? ना मैं लालच करती, ना मेरे साथ ये होता। क्यों मैंने लालच में आकर दही के दाम बढ़ाए? अगर आज मैं ईमानदारी से सस्ते दाम में दही बेचती तो मुझे इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं होता। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? सपना ने लालच किया और इसके साथ ये सब हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए, क्योंकि लालच करना बुरी बला है।